बिहार के छपरा में जहरीली शराब से अब तक 58 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी कई लोग अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। जिन गांवों में शराब से लोगों की जान गई है वहां मातम का माहौल है। वहीं छपरा शराब कांड को लेकर बिहार में सियासी घमासान तेज है। नीतीश कुमार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि आखिर नीतीश कुमार को गुस्सा क्यों आता है, और गुस्सा अगर आता है तो विपक्ष के सवालों पर ही क्यों आता है। बहरहाल उन्होंने पहले ही दिन जो गुस्सा दिखाया था वो गुस्सा बंदर उन्होंने घोट लिया है। अब वो झूठी मुस्कान लिए घूम रहे हैं। हालांकि अब उन्होंने ये कहा कि जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। तो इसीलिए अब इसके बारे में तो दुख प्रकट करना चाहिए और उन जगहों पर जा करके समझाना चाहिए। आप देख रहे हैं ना, हम कितना बड़ा अभियान चलाए, समाज सुधार अभियान, और उसको निरंतर जारी करवाते हैं कि साहब लोगों को समझाइए, बताइए, खराब चीज़ है। देखिए एक बात हम कह रहे हैं कि हम लोग तो प्रारंभ से कह रहे हैं कि देखिए शराबबंदी का कानून लागू किया गया, इसके लिए पूरा का पूरा प्रयास किया जा रहा है, और हर बार हम लोगों ने सब लोगों को जानकारी दी, बापू ने क्या कहा है, और उसके बाद आप जानते ही हैं जो रिसर्च आया था पूरे दुनिया का, तो उसको भी सबके घर पर हमने भेज दिया है कि शराब कितनी बुरी चीज़ है, कितने लोगों की मौत होती है, और जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। अब शराब ही उठता है कि जहरीली शराब से मौत पर आखिर कौन जिम्मेदार है। आखिर बिहार में शराबबंदी के बावजूद कैसे शराब पहुंच जाती है, ये एक बड़ा सवाल है। और जब नीतीश कुमार से इस मुद्दे पर बात की जाती है तो वो आखिर क्यों भड़क जाते हैं। बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार की आलोचना हो रही है उससे एक बात तो साफ है कि बिहार में सुशासन नहीं बल्कि कुशासन का राज कायम है। बहरहाल बिहार में बीजेपी लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है। इसको लेकर बुधवार को विधानसभा में भारी हंगामा देखने को मिला। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में विपक्षी पार्टी पर अपना आपा खो बैठे थे। उन्होंने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। आज भी इसी मुद्दे पर विधानसभा में हंगामा देखने को मिला। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के गेट पर प्रदर्शन किया और सीएम नीतीश कुमार को पार्टियों ने घेर लिया। हालांकि मुख्यमंत्री का मिजाज बदला बदला सा नजर आया। कल गुस्सा तो आज बीजेपी के विधायकों के बीच वो मुस्कुराते हुए नजर आए। बदले बदले सीएम नीतीश, कल गुस्सा तो आज मुस्कुराहट। हुआ यूं कि गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब विधानसभा सत्र में हिस्सा लेने जा रहे थे तो बीजेपी विधायकों ने उन्हें घेर लिया। हालांकि आज नीतीश कुमार का मिजाज बिल्कुल जुदा नजर आया। वो बीजेपी विधायकों पर गुस्साए नहीं बल्कि मुस्कुराकर उनसे मिले। यही नहीं, सीएम इस दौरान बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर बेजोल की पीठ थपथपाते हुए नजर आए। अब देखना ये होगा कि सीएम के इस बयान के बाद जो हंगामा बढ़ा है, क्या वे मुस्कुराकर इससे बचकर निकल पाएंगे, या फिर जो सवाल उन पर खड़े हो रहे हैं वो उसका जवाब गुस्सा के बजाय कब जमीन पर काम करके दिखा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया 24।